तो जो करने लगे हैं वो एक नई चीज है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो अपने आप। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस हमारी क्लियर है कि जब एक बार इन नामों में क्लैरिटी बन गई फिर क्लियर है, फिर ये नाम नहीं अड़ते, पर बस अब क्लियर इनको हम लोग सही बना सकने की पोजीशन में होने चाहिए थे। हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन था ए पे, और ये एंगल बी गिवन है। ए बी गिवन था कि 12 है, ए सी गिवन था कि 5 है, और बी सी हाइपोटन्यूज गिवन था कि 13 है। तो हमसे पूछा गया साइन ऑफ एंगल बी निकाल दो। साइन ऑफ दिस एंगल कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज। हमें क्लियरली ध्यान में कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज। तो ये कितना बन गया? 5/13। जैसे हमने साइन बी निकाला हमें समझ में आता है कि कोसिकेंट बी उसके साथ ही साथ आ गया, वो इसी का रेसिप्रोकल होता है। वो कितना होता है? हाइपोटन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। वो कितना बन गया? 13/5। नेक्स्ट नाम कॉस बी। कॉस बी होता है बेस अपॉन हाइपोटन्यूज। वो कितना बना? 12/13। सेकेंड बी क्या होता है? इसी का रेसिप्रोकल। वो कितना हो गया? हाइपोटन्यूज अपॉन बेस। वो आ गया 13/12। बहुत सिंपल नाम है, बस हमने सही बोलने हैं, कोई ट्रिक नहीं इसमें। नेक्स्ट नाम क्या है? टैन ए। वो कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें ये तीन मेन अपने ध्यान में रखने हैं। जो इसके साथ वाले होते हैं वो क्लियर है, वो कॉरस्पॉन्डिंग एक साथ साथ ही बनते रहते हैं। ये कितना बना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वो कितना हो गया? 5/12। जैसे ही हमने ये बनाया कॉट बी तो क्लियर है साथ में ही आ गया, क्लियर है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वो हो गया 12/5। दिस वॉज अ वेरी सिंपल लॉजिक, लेकिन इसको हमें अपने आप बनाना चाहिए था। अब इस क्वेश्चन से ना एक बड़ी आसान सी इंटरेस्टिंग सी अंडरस्टैंडिंग पकड़ना। देखो हमें साइन ए गिवन है कि 3/5 है, क्वेश्चन है फाइंड कॉस ए एंड टैन ए, तो क्या करें इसमें? तो हमें ये क्लेरिटी होती है कि साइन ए का एक्चुअली मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज। क्लियर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, वो हमें गिवन है कि 3:5 है। तो अब हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटन्यूज की वैल्यू तो नहीं पता, तो चलो एक काम करते हैं कि जो परपेंडिकुलर है और जो हाइपोटन्यूज है उनके नाम रख लेते हैं। हमने मान लिया कि परपेंडिकुलर इसी का कोई मल्टीपल है तो वो 3 हो गया, और हाइपोटन्यूज 5 का कोई मल्टीपल तो क्लियर है 5। इनका रेशियो कितना बन रहा है? 3:5। अब ये 3 और अगर ये 5 है तो अब इतना सा काम करना होता है कि इन दोनों का यूज़ करते हुए इसका बेस निकाल लो। तो बेस कैसे निकालें? पाइथागोरस थ्योरम से। हमें क्लेरिटी है कि ए सी स्क्वायर बराबर होता है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के, ये वहाँ बना दो। तो क्लियर है कि सिंपली 5 का स्क्वायर वो आ गया 25 स्क्वायर, ये बराबर आया 3 का स्क्वायर विच इज़ 9 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, वहाँ से ए बी स्क्वायर आ गया 16 स्क्वायर, ए बी आ गया 4। वैसे ना वैसे हमें ये ट्राइंगल याद होता है, क्लियर है हमें याद है राइट एंगल ट्राइंगल 3, 4 और 5। तो हमें क्लेरिटी है कि ये 3 ये 5 तो ये 4 ही आना था, पर एग्जाम में अगर आए तो इतना सा दिखा देना। ए बी कितना आ गया? 4। अब हमसे क्या पूछा गया है? अब इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें नोन है, इस राइट एंगल ट्राइंगल की जब हमें तीनों साइड्स हमें नोन है तो अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? हमसे क्या पूछा गया? कॉस ऑफ एंगल ए। कॉस ऑफ एंगल ए कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटन्यूज। वो कितना बन गया? सिंपली 4 अपॉन 5, दैट इज 4/5। अब हमसे क्या पूछा गया? टैन ऑफ एंगल ए। वो कितना होता? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वो कितना बना? 3 by 4 विच इज 3/4। देखो क्लियर कि हम लोगों ने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट कर लिया। साइन ए हमें गिवन था 3/5, तो हमने साइन ए को 3/5 रखता हुआ एक ट्राइंगल क्रिएट कर लिया, ताकि कि हम लोग बाकी साइड्स जो तीसरी साइड बची उसको निकाल सकें, और तीसरी साइड के निकलते ही उसके बाद तो क्लियरली हमें फॉर्मूला और सारा स्ट्रक्चर नोन है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। कोई बोले साइन ए बराबर है 3/5, फटाफट ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, इस एंगल का नाम रखो ए,
बोलो ये 3k, ये 5k, बिल्कुल ऐसे सोचा करो. क्लियर है? हमें किसी ने साइन ए दिया, देखो फटाफट हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, एंगल ए के साइन की सिचुएशन क्रिएट करा दी. ऐसे पकड़ना इसको. अब इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन करो. अब देखो जैसे ये टर्म है, हमें गिवन है कि कोसिकेंट ए अगर बराबर है अंडर रूट 10 के, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो क्या करते? सेम सेंस था. क्या करते? पहले फटाफट एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते जिसमें जो कोसिकेंट ए होता वो रूट 10 होता. तो ये हमारा पहला काम बनता था. हमने फटाफट एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, एंगल ए का कोसिकेंट हम लोग चाहते हैं कि रूट 10 हो. तो कोसिकेंट होता क्या है? कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, रूट 10 अपॉन 1. मतलब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो रूट 10 होना चाहिए. तो उसके लिए हमने इसको मान लिया रूट 10 के और परपेंडिकुलर को ले लिया के. अब हमें करना क्या होता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के निकाल सकने के लिए हमें इसका बेस भी चाहिए इस ट्राइंगल का. तो वो बेस हमने निकाल लिया यूजिंग पाइथागोरस. क्लियर है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. वो कितना बन गया? रूट 10 के का स्क्वायर. वो आ गया 10 के स्क्वायर बराबर है के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. वहाँ से बेस स्क्वायर आ गया 9 के स्क्वायर, वहाँ से बेस आ गया 3 के. तो ये क्वेश्चंस बहुत ऑर्डिनरी होते हैं, बहुत बेकार बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं. बस इनको ऐसे बोल पाने की हमें क्लियरली समझ होनी चाहिए. देखो क्लियर कि ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन सो फास्ट. फटाफट बोलोगे ये एंगल ए है, ये एंगल ए दिया गया है, ये रूट 10 के है, ये के है. तो क्लियरली यहाँ से क्लियर है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का अंडर रूट फटाफट निकाल सकोगे ऐसे. इट इज़ सो सिंपल. क्लियर कि पहला क्वेश्चन है, इसलिए इससे ना समझना कि कुछ बहुत स्पेशल काम है, बिल्कुल भी नहीं है. ओरली होने वाले क्वेश्चन होते हैं अल्टीमेटली. ये के, ये रूट 10 के, तो ये 10 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर का अंडर रूट आ गया 3 के. वही निकाला हमने पाइथागोरस से. अब हमसे क्या पूछा हुआ है, मान लो साइन ऑफ ए, वो तो इसी का रेसिप्रोकल हो गया. तो क्लियर है वो तो सिंपली 1 अपॉन रूट 10 हो गया. कॉस ऑफ ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो कितना बनता? 3 के अपॉन रूट 10 के, विच इज 3 बाय रूट 10. टैन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो आ गया 1 बाय 3. बिल्कुल इतना सा पॉइंट है. सीकेंट ए सिंपली हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, वो किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का. वो बन गया रूट 10 बाय 3. कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, विच इज 3 के अपॉन के, विच इज 3. तो नोटिस करने वाली बात यह है कि देखो ये तो क्लियर है कि साइन ए और कॉस ए और टैन ए के निकलने पे ये सब निकल ही आते होते हैं साथ साथ, पर इनको बिल्कुल ऐसे अपने मन में डालो कि हमने क्या पॉइंट करा भी आज. तो क्लियर है, हमने आज वाली क्लास में जस्ट इन नामों को इंट्रोडक्शन देखा इनका कि ये क्या होते हैं. अब इन पे क्लियर है हम लोगों ने ग्रेजुअली बहुत इंटरेस्टिंग बातें करनी है. बस आज इतनी सी बात को मन में डालो.